एक लाइफ अपडेट दे देती हूँ, मुझे जॉब मिल गई है। बस मैं इतना ही बताऊंगी, मैं अपनी जॉब हूँ, मेरी स्किन, माय स्किन इज नॉट स्किनिंग गाइज, आई नो, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। फाइनली हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो फाइनली आई एम बैक, आई नो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया, आई नो मैं बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट हो गई हूँ, एंड पर मैं सच बताऊँ मुझे ना टाइम मिल रहा है कॉलेज से, घूमने से, देन और बाकी भी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही कुछ चल रहा था, सो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, एंड मुझे कोई आइडिया भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या शूट करूँ। बट फाइनली मैंने आज सोचा, मुझे मेरे घर वाले बोल रहे थे, मान्या क्या कर रहे, कुछ तो पोस्ट कर, कुछ तो वीडियो बना, तो मैंने सोचा नहीं आज तो वीडियो डालना पड़ेगा क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं। सो फाइनली आई एम बैक, एंड गाइस एक लाइफ अपडेट दे देती हूँ, मुझे जॉब मिल गई है। बस मैं इतना ही बताऊँगी, मैं अपनी जॉब के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देने वाली, मुझे कहाँ जॉब मिली है, कैसे मिली है, बट थोड़े टाइम बाद ऑफकोर्स मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगी, बट अभी मैं कोई डिस्क्लोजर नहीं देने वाली हूँ। बस मैं एक अपडेट देना चाहती थी कि मुझे जॉब मिल गई है, एंड मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इतने दिन से, लाइक आप लोग को मालूम है मैंने कितने सारे इंटरव्यूज़ डाले स्टूडेंट्स के, कपल्स के, एंड अलग अलग लोगों के जो अलग अलग इनटेक में कैनेडा आए हैं। सो मैंने सोचा कि उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लूँ, एंड जो मुझे लाइक इंस्टाग्राम पे बहुत सारे DM आए लोगों के कि मान्या आपके पास 2 महीने जॉब नहीं थी तो आपने ये 2 महीने कैसे सर्वाइव किया कनाडा में, क्योंकि हमें मालूम है GIC यूज़ करना हमें नहीं पसंद, आई नो, बट जब आपके पास जॉब नहीं होती, आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता, आपको GIC यूज़ करनी पड़ती है, और अगर आपके पास कोई सेविंग्स भी ना हो तो ऑब्वियसली बात आपको करनी पड़ेगी। सो मैं बताती हूँ आपको कि ये 2 महीने मैंने कैसे निकाले एंड क्या क्या हुआ है, आप लोग को मालूम है वैसे भी, बट मैंने बहुत टाइम से खुद की इंडिविजुअल वीडियो पोस्ट नहीं किए, सो मैंने सोचा आज तो बनता है सब बताना। सो स्टे ट्यून्ड गाइस एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज थोड़ी फन हो जाएगी वीडियो, आपको पता भी चल जाएगा कि मैंने अपना सर्वाइवल कैसे किया विदाउट अ जॉब इन कनाडा एज अ स्टूडेंट। और गाइस आप देख सकते हो वेदर कितना ज़्यादा सनी हो रखा है, क्योंकि अभी पता है टेम्परेचर कितना हो रहा है, 18 degrees, एंड मैं कोई जैकेट वैकेट नहीं पहन के बैठी हूँ, मुझे लिटरली गर्मी लग रही है, और मुझे अब ये धूप लिटरली लग रही है कि ये मेरे को लग रहा है मैं इंडिया में बैठी हूँ, और मुझे अब पता चल रहा है कि लोग विंटर्स में क्यों जाते हैं इंडिया, क्योंकि उनसे नहीं सहन ही नहीं हो सकता, मुझसे ये सहन नहीं हो रही, मैं क्या अब इंडिया जाऊंगी मेरे को नहीं मालूम, बट कोई बात नहीं, स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, आगे चलते हैं बात करते हैं मैंने कैसे कनाडा में सर्वाइवल किया विदाउट अ जॉब। सो लेट्स बिगिन गाइस, आपको मालूम है मेरी जॉब का लास्ट डे था 29th of December को, एंड उसके बाद मैंने कोई जॉब नहीं की, मुझे एक रेस्टोरेंट में जॉब मिली थी जो भी मैंने छोड़ दी थी क्योंकि वो रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा काम था एंड मुझसे नहीं हुआ तो मैंने वो छोड़ दी थी, वो आप लोग को मालूम ही है। सो उसकी भी मुझे कोई सैलरी वगैरह दी नहीं थी, जो भी 2 दिन मैंने काम किया मुझे कुछ पेमेंट नहीं मिला, कोई बात नहीं ठीक है, एक एक्सपीरियंस मिला मुझे कि अब मुझे रेस्टोरेंट में कभी जॉब नहीं करनी एंड ऐसे रेस्टोरेंट में। सो उसके बाद अभी मुझे एक जॉब मिली है तो मैं वो कर रही हूँ, एंड लेट्स सी अभी उसका भी प्रोबेशन ही चल रहा है, बट जब वो एकदम श्योरिटी मुझे मिल जाएगी तब मैं डिस्क्लोज करूँगी जो भी होगा। तो 2 महीने मैंने कैसे निकाले गाइस, मैं 4 महीने मैंने फुल काम किया था एंड मैं 20-25 hours तक करती थी, इससे ज़्यादा मैंने नहीं किया, बट वो करके भी मेरे पास 2 जॉब थी एंड मैंने काफ़ी अच्छी सेविंग्स कर ली थी क्योंकि रीडिंग वीक मिला था एंड ऐसे बहुत सारे हॉलीडेज आए थे जब मुझे आवर्स मिल जाते थे, तो मैंने इसमें काम करके काफ़ी अच्छी सेविंग्स कर ली थी, ताकि मुझे पता था कि मेरी एक जॉब सीजनल है और एक जॉब से मुझे पहले निकाल दिया था, तो जो सीजनल जॉब थी उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से काम करके अपनी सेविंग्स कर ली थी। ये 2 चीज़ें लाइक सेविंग्स करके एंड जो जॉब की मैंने उसमें अच्छे से किया था, एंड उसका ही अमाउंट मैंने एक सेव करके रखा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मे बी अगर विंटर में मेरे पास जॉब ना हो तो मेरे पास बैकअप होना चाहिए ताकि मुझे GIC ना यूज़ करनी पड़े, और मैंने GIC नहीं यूज़ की, ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है। एंड एक बात बताती हूँ, अभी हमको कॉलेज से एक ऑप्शन मिला था, ये बात भी मैंने अभी तक बताई नहीं है,
तो हमें कॉलेज से ऑप्शन दिया गया था समर ब्रेक का, क्योंकि जो सितंबर इनटेक में स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें समर ब्रेक लेना कंपलसरी होता है ताकि वो 4 महीने फुल काम कर सके। बट ये जो कनाडा में इतने रूल्स चेंज हुए हैं एंड सब हुआ है, उसकी वजह से जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, मेनली आईलैक कॉलेजेस एंड छोटी छोटी कॉलेजेस हैं, वो लोग स्टूडेंट्स का कोर्स जल्दी से जल्दी ख़त्म करवा रहे हैं। तो हमें भी थोड़े टाइम पहले कॉलेज ने ये ऑप्शन दिया था कि आप अपना समर ब्रेक स्किप कर सकते हो एंड अपना कोर्स कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैं पहले से ही इंडिया से सोच के आई थी अगर मुझे ये ऑप्शन मिला तो मैं ऑब्वियसली अपना कोर्स ख़त्म करूँगी एंड मैं अपना स्टडीज़ ख़त्म करके फुल टाइम जॉब पे फोकस करूँगी, क्योंकि मुझे 4 महीने जो भी गधा मजूरी नहीं करनी थी पार्ट टाइम में। एंड मैंने बहुत लोगों से पूछा भी एंड एक्सपीरियंस लोगों से पूछा जो यहाँ पे है बहुत टाइम से, एंड सब ने मुझे यही सजेस्ट किया कि अच्छी बात यही होगी कि आप अपना कोर्स जल्दी से जल्दी ख़त्म करो एंड अपनी फुल टाइम जॉब पे फोकस करो। आई नो दिसंबर जैन का टाइम होगा, बट ढूंढने पे फुल टाइम जॉब भी मिल जाएगी, एक बेसिक जॉब मिल ही जाएगी। सो ये डिसीजन था एंड इसकी वजह से अब मुझे फ़ीस भी भरनी की आएगी मार्च में, एंड मेरी GIC सेव्ड है तो मैं मेरी फैमिली पे भी इतना बर्डन नहीं होगा, क्योंकि मैंने GIC सेव अप की है 5 महीने की, एंड 5 महीने का अगर मैं GIC सेव कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं आधी फीस खुद निकाल लूँगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि आप अपनी फ़ीस निकाल सकते हो कि नहीं कनाडा में, तो आपको आंसर मिल ही गया होगा कि अगर आप अपनी GIC सेव कर लेते हो तो ऑब्वियसली आप अपनी फ़ीस निकाल लोगे, एंड मेरी आधी फ़ीस मैं ऑब्वियसली घर से मंगानी पड़ेगी। अगर मैं समर ब्रेक लेती और मुझे पार्ट टाइम जॉब 2 मिल जाती तो मैं ऑब्वियसली मैं पूरे साल की फ़ीस निकाल लेती, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास 2 महीने जॉब नहीं थी एंड अभी भी मिली है तो वो थोड़ा टाइम लगेगा, एंड GIC भी जितनी है वो मैं पूरी फ़ीस में लगा दूंगी। सो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो गाइस ऐसे मैंने सर्वाइव किया एंड सेविंग्स जो थी उससे मैं 2 महीने रेंट वेंट सब भरी थी। एंड मैं आपको एक डिस्क्लेमर देती हूँ, जब आपके पास जॉब नहीं होती ना आपके खर्चे डबल हो जाते हैं। मैं इधर उधर घूमना, इधर उधर खाना, ये वो, मैंने ये 2 महीने में जब मैं जॉब करती थी ना मेरे बिल्कुल एक्सपेंसेस नहीं थे, मैं बहुत कम एक्सपेंसेस में मेरा ख़त्म हो जाता था। तब मेरे को ये होता था माइंड में कि यार सेविंग करनी है, फ़ीस भरनी है, सेविंग करनी है, फ़ीस भरनी है। 2 महीने काम नहीं था तो ऐसा लगता यार मिल जाएगा काम, कर लेंगे सेविंग, क्या ही है। बट फिर भी इतना सा फ़न करने के बाद भी मैंने एक अच्छी खासी अमाउंट सेव कर ली है जिससे मुझे दिक्कत नहीं आएगी। सो मैं एक ही सजेशन देना चाहूँगी सारे स्टूडेंट्स को, अपनी GIC हमेशा सेव करो। अगर आप समर ब्रेक का आपको भी ऑप्शन मिल रहा है तो देख लो यार, ये सबका पर्सनल डिसीजन होता है, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने फैमिली के कन्वीनियंस के हिसाब से अपना डिसीजन लो, किसी की सुन के मत लेना, क्योंकि फिर बैक होम आपकी फैमिली को ना सफ़र करना पड़े आपकी एक डिसीजन की वजह से। सो गाइज यही था, यही अपडेट मुझे देना था, एंड अब ये वीडियो को मैं एंड करती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा लंबा नहीं करना वीडियो। एंड आई नो मेरी स्किन, माई स्किन इज़ नॉट स्किनिंग गाइज, आई नो, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है स्किन में। इन ये मेरे साथ ही हो रहा है कि आपके साथ भी हो रहा है कनाडा में आके, आपकी स्किन में भी प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि मैं जब कनाडा आई थी मेरे को नहीं थे इतने पिंपल्स, एंड पता नहीं अभी आप मेरे फेस पर देख सकते हो, आपको दिख भी रहे होंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, पता नहीं अब मुझे डर्मेट को कंसल्ट करना ही पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो बढ़ते ही जाएगा मेरे को ऐसा ही लग रहा है। पर ठीक है, इट्स फाइन, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अब मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, अगले इंटरव्यू के साथ, एक बहुत अच्छा इंटरव्यू आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड मिलते हैं आप अगले वीडियो में। गाइज लाइक करो वीडियो को एंड अच्छे अच्छे कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। बाय फॉर नाउ।